विजयादशमी के दिन दशहरा मैदान हजारों लोगों की मौजूदगी का साक्षी बना। शाम होते ही पूरे मैदान में शहरी नहीं आसपास के जिले से भी लोग पहुंचने लगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं श्री रामलीला मंडल छोटी बाजार की मौजूदगी में भगवान श्री राम ने 51 फीट के रावण की पुतली का दहन किया। इस दौरान हैदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का भी नजारा देखने को मिला। दशहरा मैदान में जिले के प्रधान न्यायाधीश, सांसद नकुलनाथ सहित समस्त आला अफसर एवं छिंदवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी कमलनाथ एवं भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भाजपा मंच पर मौजूद रहे। विजयदशमी महोत्सव छिंदवाड़ा में 1889 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला निरंतर चलती है। पूरे नवरात्र 14 दिन की लीला खेलने के पश्चात विजयदशमी के दिन हम श्री राम मंदिर छोटा बाजार से चल सामानों लेकर निकलते हैं एवं दशहरा मैदान पहुंचकर वहां हमारे सभी राजनीतिक दल, समस्त व्यापारी, समस्त धर्म संप्रदाय एवं पंथ के लोगों के साथ मिलकर बुराई का अंत का प्रतीक विशाल रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इस वर्ष हमारे इस कार्यक्रम में छिंदवाड़े के विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ, विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुलनाथ सहित समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं व्यापारीगण शामिल हुए थे। छिंदवाड़े के इतिहास में पहली बार दशहरा मैदान में इतना जन सैलाब देखा गया और बड़े हर्षोल्लास के साथ रंग बिरंगी आतिशबाजियों के साथ रावण का दहन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।